हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर बिल्कुल स्टार्ट से करेंगे। मैं थोड़ी बहुत ही इसमें बहुत सिंपल रहेगा, मैं आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बताता रहूँगा, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा उसमें इजी लगता रहे जब आप पढ़ो। मैं जो बुक देखूंगा अभी, जिससे मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा, वो बेसिकली RS शर्मा रहेगी, ठीक है, शुरू में। और आगे जाके जब थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आएंगे तो उसमें मैं RS शर्मा, तमिलनाडु बोर्ड वाली जो 11th क्लास की बुक बताई थी वो वाली, और कुछ एक एक्स्ट्रा जो आपको मैंने नहीं बताई, बट उससे कुछ मैं खुद, क्योंकि वो आपको ज़रूरत नहीं है तो मेरे पास तो टाइम है। आप ठीक है, मेरी तो अब जॉब लग गई है तो मुझे टाइम है, तो उस टाइम के हिसाब से मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताता रहूँगा, इम्पॉर्टेंट वगैरह, वो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो बिना कोई टाइम ज़ाया किए आज हम चलते हैं। बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक है, मतलब जो फर्स्ट चैप्टर है RS शर्मा की, जो एंशियंट हिस्ट्री की 11th क्लास की जो NCERT है, ठीक है, RS शर्मा की, तो RS शर्मा की 11th क्लास की NCERT, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें लिखा है इम्पोर्टेंस, जिसका जो टाइटल है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। मतलब एंशियंट हिस्ट्री हम क्यों स्टडी करें, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग या स्टडिंग एंशियंट हिस्ट्री। हालांकि ये आपको इस चैप्टर में आपको प्री के लिए उतना मटेरियल नहीं मिलेगा, मेंस के लिए आपको डायरेक्ट वो ये नहीं पूछेंगे ना व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, ये बहुत कम चांसेस हैं। तो इसमें एक और टॉपिक निकल के आता है, वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो भी आधा निकल के आता है। ये क्वेश्चन, मतलब ये एक टॉपिक है जिस पे मेंस में पूछते हैं कि इंडिया बहुत डाइवर्स है, ठीक है, इंडिया बहुत डाइवर्स है, मतलब यहाँ पे इतनी कास्ट हैं, इतने मज़हब हैं, इतनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ठीक है, तो इसके बावजूद इंडिया में, मतलब डाइवर्सिटी तो है, इतनी लैंग्वेजेज हैं, इतने रिलीजन हैं, इतनी कास्ट हैं, इतनी रेसिस हैं, इसके बावजूद इंडिया में यूनिटी है, मतलब इसके बावजूद इंडिया में एकता है, ठीक है, इतफाक है इंडिया में। तो इस पे आपको क्वेश्चन आता है लिखने के लिए, या कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, तो वो ना जो ये पहला चैप्टर है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, जब आप वो पढ़ोगे खुद उस RS शर्मा से, तो माइंड में ये वाली थीम रखना कि इस पे कभी ना कभी किसी सब्जेक्ट में ऑप्शनल में पूछ लें, या किसी GS के मेंस में पूछ लें, या SC में पूछ लें, तो आप ये जो चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ोगे ये कहीं ना कहीं आप उसमें यूज़ कर पाओ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम चैप्टर की तरफ। इसमें कुछ जो प्री के लिए भी मिलेगा वो मैं आपको बता दूंगा, आप नोट कर लेना, ठीक है। सबसे पहले जैसे इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस टॉपिक में आपको मिलेगा वो ये है कि जो सिविलाइजेशन होती है, सिविलाइजेशन, ठीक, सिविलाइजेशन जो होती है, कोई भी अगर कोई मतलब कम्युनिटी है या कोई किसी एरिया में कुछ लोग रहते हैं, तो उनको हम सिविलाइज तब तक नहीं बोलेंगे, ठीक है, जब तक उनके पास राइटिंग की नॉलेज ना हो, जब तक मतलब वो लिखना ना जानते हों। तो लिखना जो राइटिंग है, इसका मतलब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, किसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सिविलाइजेशन की। मतलब एक सिविलाइजेशन, तभी उसको हम सिविलाइजेशन बोलेंगे एक कल्चर को, ठीक है, एक जगह पे रहने वाले लोगों को हम सिविलाइज लोग तभी बोलेंगे जब उनके पास राइटिंग कि इंफॉर्मेशन, राइटिंग जानते होंगे, जब वो लिखना जानते होंगे, तो राइटिंग होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम उसको सिविलाइजेशन बोलेंगे, वरना उसको हम सिविलाइजेशन नहीं बोल देंगे। ये एक पॉइंट आपको इसमें लिखा था, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो मैं आपको इसका बता रहा हूँ वो जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो इसमें निकल के आता है कि हम एंशियंट हिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं, तो इसने उसका जवाब इस तरीके से दिया है कि हम एंशियंट हिस्ट्री को हमें इसलिए पढ़ते हैं तो क्योंकि हमें इससे पता चलता है अपने कल्चर के बारे में, हमें पता चलता है कि किस तरीके से इंडिया जो है एंशियंट टाइम से लेकर आज तक इंडिया डाइवर्स है, इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेसिस हैं अलग अलग, ठीक है, रिलीजन से लैंग्वेजेज है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया में यूनिटी रही है, इंडिया में मतलब इतना ज़्यादा कॉम्युनलिज्म वगैरह नहीं रही है। जो आज आप कॉम्युनलिज्म देखते हो ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों के आने के बाद, यानी
18th सेंचुरी के बाद इंडिया में पैदा हुआ क्या? कॉम्युनलिज्म, ठीक है, मतलब रिलीजन के बेस पे भेदभाव जो चल रहा है, ठीक है। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा यूनिटी थी, तो वो ये चीज़ें हमें कहाँ से पता चलेंगी? हमें हमारी एंशियंट हिस्ट्री के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उससे पता चलेगा, और भी जो है जैसे आर्ट एंड कल्चर के बारे में पता चलता है वगैरह। तो हम बेसिकली ये थीम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस थीम का पहला देखिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी, चलो हम मैं नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करता हूँ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि अगर हम इंडिया में बात करें रेशियल डाइवर्सिटी की, मतलब तो इंडिया में बहुत सारी रेसिस थी, तो आप जब एंशियंट हिस्ट्री में हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि सबसे पहले इंडिया में, ठीक है, मतलब प्री आर्यन लोग रहते थे, प्री आर्यन, ठीक है। आर्यन एक रेस थी, ठीक है, और उस रेस जैसे कास्ट होता है वैसे ही ह्यूमंस की रेस भी होती है, मतलब जो कलर के बेस पे होती है, कोई सफ़ेद दिखता है तो हम उसको वाइट रेस बोल देते हैं कुछ, तो प्री आर्यन पीपल जो बेसिकली कौन थे? हड़प्पन वाले, इंडस वैली वाले, ठीक है, हड़प्पन पीपल जो थे, इनकी एक रेस थी, ठीक है। ये कुछ अलग तरीके के दिखते थे, बॉडी का स्ट्रक्चर अलग था, तो एक तो ये यहाँ पे थे। इनके बाद आर्यन पीपल आए, ठीक है। इनकी डेट वेट कब है वो भी मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। जो आर्यन जो लोग हैं, देखिए जो हड़प्पन पीपल हैं ये तकरीबन 2600 से 2600 BC से 1700 BC के बीच रहे हैं। 2600 BC, BC बोले बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट आज से हम मानते हैं कि 2000 ईयर अगो, ठीक है, क्योंकि आज क्या है 2020 है ना, तो 2020 साल पहले क्राइस्ट यानी जीसस क्राइस्ट का जन्म था, बर्थ थी, ठीक है। तो उससे भी तो हम तो AD है ना, आफ्टर मतलब ये इन द ईरा, जिसको बोलते हैं एनो डोमिनी, मतलब इन द ईरा ऑफ लॉर्ड, मतलब जीसस के बर्थ के बाद वाला हम टाइम फॉलो करते हैं, तो उससे भी 2600 साल पहले, मतलब आज से कितना हो जाएगा, 2020 को 2600 में ऐड कर दो तो ये तकरीबन 4420 साल पहले की बात है, ठीक है। उससे लेकर मतलब उस वक्त से स्टार्ट होकर 1700 BC का निकालोगे, 1700 3720 तक, ये जो इतने हज़ार साल से लेकर इतने हज़ार साल पहले जो लोग रहते थे उनको बोलते थे हड़प्पन पीपल, ठीक है। ये इंडस वैली के पास रहते थे, इंडस जो इंडस रिवर है ना, ठीक है, यानी जो पंजाब है, पाकिस्तान का बहुत सारा एरिया, ठीक है, और फिर ये पंजाब में जहाँ ब्यास जाता है, रावी जाता है, चनाब जाता है, ठीक है। तो ये आपने मैप भी देखना चाहिए, जब हम इंडस वैली पढ़ेंगे, हड़प्पन पीपल पढ़ेंगे तो तब आपको क्लियर हो जाएगा। मैं जस्ट आपको थोड़ी सी क्रोनोलॉजी समझा देता हूँ और थोड़ी ये रेशियल डाइवर्सिटी समझा देता हूँ। तो हड़प्पन पीपल थे, फिर आर्यन पीपल आए, ये आगे 1500 BC से आए हैं, ये 1500 BC के बाद आए हैं, ठीक है, 1500, 1400, 1300 इस टाइम पे आए हैं। तो ये लोग आए, फिर इसके बाद ये लोग रहे कब तक? मौर्यन पीरियड तक, ठीक है। इसके बाद इंडिया में अटैक्स किया किसने? जैसे इंडो ग्रीक्स थे, तो इंडो ग्रीक्स की एक रेस आ गई, ठीक है, ये इन्होंने तकरीबन 3rd सेंचुरी BC में अटैक किया, ठीक है, 3rd to 4th मान लो, ठीक है। जैसे सिकंदर जो अलेक्जेंडर था उसने 4th सेंचुरी BC में किया, 323 BC, यानी 4th सेंचुरी BC, ठीक है। तो ये 3rd 4th सेंचुरी में ये वाले आगे BC में कौन आगे? इंडो ग्रीक्स आगे। इसके बाद कुछ और थे वो हम आगे पढ़ेंगे, स्काइथियंस, उन्होंने अटैक किया, वो वाली रेस, तो इंडिया में आके वो बस गए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद पार्थियंस थे कुछ, PARTA, ये हम आगे पढ़ेंगे। मैं आपको अभी आपने इनको थोड़ा थोड़ा नोट कर लो या थोड़ा इनको जान लो, ताकि आपको जब आगे मैं आपको बताऊंगा कि स्काइथियन आए थे उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पहले थोड़ा आइडिया होगा, तो आपको एकदम चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी, आपको इजीली चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएंगी, ऐसा लगेगा कि पढ़ा हुआ है। स्काइथन आए, पार्थियन आए, कुछ और थे हुनाज, हुनाज जो थे ये 6th सेंचुरी AD में आए, मतलब 500
बीस बीस एडी मान लो, ठीक है, तो वो होगी 6th सेंचुरी। उस वक्त होना ये भी आके इंडिया में कुछ बस गई, कुछ वापस चली गई। फिर हमें पता है मेडिवल टाइम में हमें पता है कौन आए, तर्क पीपल आए, टर्की से पीपल आए, जैसे मतलब जो मुगल थे, मुगल भी टर्की थे, ठीक है। मुगल्स आगे दिल्ली सल्तनत वाले आगे, जिनको हम बोलते हैं ममलूक डायनेस्टी, मतलब स्लेव डायनेस्टी, ममलूक होता है स्लेव, तो ये दिल्ली सुल्तनत इन्होंने फॉर्म की, ठीक है, ये मेडिवल टाइम के। तो इतनी ज़्यादा इंडिया में रेसिस आ गई, कौन कौन सी, इंडिया में प्री आर्यन रेसिस थी, आर्यन रेसिस थी, ठीक है, इंडो ग्रीक आ गए, स्काइथियन आ गए, पार्थियन आ गए और तर्क पीपल आ गए, ठीक है, और हूनास। इतनी ज़्यादा इंडिया में रेशियल डाइवर्सिटी जो है थी। एक सेकेंड मैं इसको रेज कर देता हूँ, तो ये आगे, ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा इंडिया में रेशियल डाइवर्सिटी थी यहाँ पे। लेकिन ये बुक वाला लिखता है कि इतनी ज़्यादा रेशियल डाइवर्सिटी होने के बावजूद आज आप देखो अगर, तो आज प्रेजेंट टाइम पे आप देखोगे, प्रेजेंट टाइम पे हम लोगों में हम आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल है, ठीक है, क्या डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई रेसिस। आज हम इतने घुल मिल चुके हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा हमारे यहाँ इंटरमिंगलिंग हो गई है कल्चर की, ठीक है, कि आज हमारी कंट्री में रेसिस को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, पता नहीं चलता, आप अपने आप को नहीं जान पाओगे कि मैं खूनाज में से हूँ, स्काइथियन हूँ, इंडो ग्रीक हूँ, क्या हूँ। इंडिया में इतने सालों से, इतने 3-4 हज़ार साल से रहने के बाद इतनी इंटरमिंगलिंग हो गई है कि रेस के बेस पे किसी को ताना नहीं दिया जाता, रेस के बेस पे इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही है, ठीक है, कोई रेस के बेस पे इंडिया में कन्फ्लिक्ट नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया में रेशियल डाइवर्सिटी तो है, वही बात है, रेशियल डाइवर्सिटी तो है इंडिया में, बट इंडिया में रेशियल यूनिटी भी है। रेशियल डाइवर्सिटी होने के बाद इंडिया में क्या है, यूनिटी है, इत्फाक है, मतलब कन्फ्लिक्ट इंडिया में नहीं है। तो पहली बात आ गई रेशियल की। उसके बाद हम चलते हैं रिलीजन पे, तो यही बुक वाला लिखता है कि इंडिया में बहुत सारे एंशियंट टाइम से ही रिलीजन आ रहे हैं, जैसे जब आर्यन आए तो वो अपने साथ एक रिलीजन, आर्यन से पहले क्या होता था, हड़प्पन पीपल का नेचर वारशिप होता था, ठीक है, प्री आर्यन क्या होता था, जो रिलीजन होता था वो होता था नेचर, नेचर वारशिप वगैरह भी होता था, ठीक है, जिसमें बेसिकली मदर गाडेस होती थी, उसको पूजते थे लोग, ठीक है। बट ये आप याद रखना, हड़प्पन टाइम पे हमें टेम्पल वेम्पल्स नहीं मिले, नो टेम्पल्स। ये आप आगे पढ़ोगे, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ आगे की चीज़ें भी अभी आपको बताऊँगा ताकि आपको वो दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। हड़प्पन के टाइम पे हमें कोई मंदिर मस्जिद वगैरह नहीं मिला, लेकिन वो सिर्फ मदर गाडेस के हमें कुछ स्कल्पचर मिले हैं, ठीक है, एक छोटे मोटे स्कल्पचर मिट्टी के बनाए हुए टेराकोटा के, तो उससे हमें पता चलता है वो मदर गाडेस को मतलब वो पूजते थे। उसके बाद नेचर की वर्शिप करते थे, ये ट्रीज वगैरह की, इन चीज़ों की, ठीक है। तो ये प्री आर्यन लोगों का था, और यहाँ पे ट्राइब्स रहते थे बहुत सारे आर्यनस के आने से पहले, ठीक है, यानी हड़प्पन टाइम में, हड़प्पन से भी पहले, यानी 1500 BC से पहले की बात है। 1500 BC के बाद तो आर्यनस आ गए, तो 1500 BC से पहले की बात, बाद में तो आ गए आर्यनस। तो पहले यहाँ पे इंडिया में ट्राइब्स होती थी, ठीक है, यहाँ पे शैल्कोलिथिक कल्चर चल रहा था, ठीक है, उनको बोलते, और यहाँ पे हड़प्पन वाला मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन भी थी, बहुत सारे ट्राइब्स थे, इनके अलग अलग रिलीजन थे, इनके अलग अलग कल्चर थे, ठीक है। तो एक तो वो वाला रिलीजन आ गया, फिर जो आर्यन आए तो आर्यन अपने साथ जो मेन लेके आए, जब आर्यन आए तो उसके बाद अब वेदाज आई हैं, ठीक है, तो वेदाज के बाद आया, मतलब आर्यन जब आए तो उसके बाद ऋग्वेदिक कल्चर आता है, वेदास, वेदास क्या है, बुक्स हैं, हिंदू की पवित्र बुक, तो उसके बेस पे फिर जो आगे रिलीजन निकला उसको बोलते हैं हिंदुइज्म। तो इंडिया में हिंदुइज्म था, फिर हम देखेंगे आगे जाके कि 6th सेंचुरी BC में जब महावीर आ जाएगा, महावीर हम आगे पढ़ेंगे, अभी आपको बस जस्ट मैं बता रहा हूँ यहाँ रिलीजियस डाइवर्सिटी कैसी। तो महावीर एक शख्स था जिसने जैनिज्म की फाउंडेशन की, ठीक है, जैनिज्म बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ उसके वक्त, ठीक है। इसी तरीके से बुद्धा आया, बुद्धा के आते बुद्धिज्म, ये दोनों एक ही टाइम पे आए हैं, ये दोनों कंटेम्परेरी थे, कौन,
महावीर और बुद्धा जो थे ये एक दूसरे के कंटेम्परेरी थे, मतलब सेम टाइम पे रह रहे थे, सेम टाइम पे एक जगह पे बुद्धा अपना रिलीजन फैला रहा था, एक जगह पे महावीर जो है अपना जैनिज्म फैला रहा था। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म आए, ठीक है। फिर हम आगे जाते हैं तो आगे जाके मेडिवल टाइम में, ठीक है, हमारे पास मतलब 11th सेंचुरी से आगे मान लो, उसके बाद हमारे पास रिलीजन आ जाता है इस्लाम। क्रिश्चियनिटी भी इंडिया में पहले ही से था, बट बेसिकली इंडिया में तो पहले ही से क्रिश्चियनिटी आ गया था, बट मेन जो पॉपुलर हुआ है वो मतलब जो 17th 18th सेंचुरी में हुआ है, जब अंग्रेज़ यहाँ पे आ गए, ठीक है। उस वक्त हमारे पास क्रिश्चियनिटी भी बहुत आ गया, ईसाई है, ठीक है। और सिख्स जो हैं, सिख भी मेडिवल टाइम में आए हैं, इस्लाम, और इस्लाम के बाद थोड़ा जब गुरु नानक आए तो फिर यहाँ पे सिखिज्म भी आया। इसी तरीके से पारसी वारसी वो भी हैं। तो इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, ये रिलीजन्स क्या हैं वो हम बेसिकली फिर कभी पढ़ेंगे, इन रिलीजन के बारे में डिटेल अभी जो मैंने आपको ये बताया, ठीक है। अब इतने ज़्यादा रिलीजन है तो इंडिया में जो आप देखोगे कि हिस्टोरिकली जो हम पढ़ते हैं ना हिस्ट्री, हमने कहा कि एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने का फ़ायदा क्या है, तो हमने बोला यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इतने सारे रिलीजन हैं तो फिर भी इंडिया में मतलब डाइवर्सिटी है, मतलब इंडिया में रिलीजियस डाइवर्सिटी है, इसमें कोई शक नहीं। इतने सारे रिलीजन हैं इंडिया में और इनको तो हम आज आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, रेस को तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन आज हम ये बता सकते हैं ना, मैं मुसलमान हूँ, ये हिंदू है, वो सिख है, ये तो आज भी बता सकते हैं। तो फिर इनमें यूनिटी है, फिर भी यूनिटी है इनमें रिलीजन में, तो वो यूनिटी कैसे? अभी आप आजकल देखोगे, आप बोलोगे बहुत ज़्यादा कम्युनलिज्म आ रहा है, ठीक है, आप क्या बोलोगे, कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, कम्युनलिज्म्स बहुत फैला हुआ है। बट मैं आपको बताते चलूँ कि एंशियंट हिस्ट्री, पूरी इंडिया की हिस्ट्री की बात हो रही है, सिर्फ ये अभी की बात नहीं हो रही है। तो जो कम्युनलिज्म हम बोल रहे हैं, ये कम्युनलिज्म आपको जान के हैरानी होगी कि 18th सेंचुरी या आप 18th लेट 18th मान लो, लेट 18th एंड 19th सेंचुरी, नहीं लेट 19th एंड 20th सेंचुरी के पहले इंडिया में कोई कम्युनलिज्म नहीं था। ये जो कम्युनलिज्म जो फैला है, ये कम्युनल आइडियोलॉजी जो रिलीजन के बेस पे, ठीक है, ये अंग्रेज़ों के आने के बाद जब उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो की, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, तो उसके बाद जो है इंडिया में ये कम्युनलिज्म फैला है, ठीक है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फैलाई। और ये पॉलिसी बेसिकली क्यों फैला रहे थे वो इंडिया में, ताकि अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, अगर इंडिया वालों को डिवाइड नहीं करते रिलीजन के बेस पे तो इंडिया वाले यूनाइट होके अंग्रेज़ों को कुछ मतलब 250 साल कहाँ रहने देते, इंडिया में रूल करने देते। और बेसिकली इंडिया में आ गया था डेमोक्रेसी, तो ये भी एक बात है कि इंडिया के लोग क्यों इतने क्या बेवकूफ़ थे, इंडिया के लोग जो कम्युनल बन गए, नहीं, इंडिया में डेमोक्रेसी आ गया था। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो पावर होती है वो आपको वो वोटिंग के जरिए लानी पड़ती है ना, ठीक है। तो उससे पहले तो राजे रानी होती थे, डेमोक्रेसी नहीं होती थी, बस अटैक किया आपने। अब डेमोक्रेसी जब आपकी, तो आपको क्या करना है, आपको वोट चाहिए, आपको इलेक्ट होना है, तो इलेक्ट होना तो आपको क्या करना पड़ेगा। अभी लोग जो हैं वो को अपनी ट्राइब के चीफ को ज़्यादा पसंद करते थे, कोई है मतलब लोग तो ट्राइब्स में बटे हुए थे या कास्ट में बटे हुए थे, अपनी कास्ट के लीडर को ज़्यादा सेलेक्ट करते थे। तो अब जो है इनको एक बड़ा मुद्दा चाहिए था, ताकि लोग जो हैं कास्ट बेस्ड वोट ना करें, लोग जो हैं रेस या अपना ट्राइब बेस्ड वोट ना करें, ठीक है, क्योंकि वो तो बहुत छोटे छोटे हैं, आपको तो इलेक्शन लड़ना है बड़े पैमाने पे। तो इन्होंने मुद्दा निकाला और रिलीजन का, ठीक है, ताकि लोग रिलीजन बेस्ड वोट करें। दो रिलीजन मेन लाए इन्होंने, हिंदुइज्म वर्सेस इस्लाम, तो ठीक है, ताकि मुस्लिम जो नेता हैं उनको, मुस्लिम सारे डर जाएं कि भाई हमारा तो हम पे अटैक होने वाला है, और मुस्लिम को वोट दें, हिंदू को बोलेंगे नहीं भाई हिंदू ये तो पूरे मुस्लिम जो हैं वो हिंदूज को भी कन्वर्ट कर देंगे, इनमें नफरत भरी कि मेडिवल टाइम में ये होता था, मुस्लिम ने ये किया हिंदू के साथ ये किया, तो हिंदू सारे हिंदू वाले लीडर को वोट देंगे और मुस्लिम मुस्लिम को वोट देंगे, तो फायदा किनका, नेता का हो जाएगा। तो ये वाला यहाँ से कम्युनलिज्म डेमोक्रेसी आने के बाद हुआ। तो ये बहुत सारे और भी रीज़न थे, डिवाइड एंड रूल था, डेमोक्रेसी था, मिडिल क्लास जो न्यू न्यू इमर्ज हो रही थी उसका था इशू, बट ये हमने नहीं पढ़ना है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि कम्युनलिज्म अभी की बात है, आप दिमाग में कम्युनलिज्म ये लिख भी सकते हो आप पेपर में, ठीक है,
दो एट प्रेजेंट टाइम वी फाइंड दैट देर आर कम्युनल राइट्स बट दीज दिस कम्युनलिज्म आइडियालॉजी ऑफ कम्युनलिज्म इज रीसेंट वन, ठीक है, एंड इट्स नॉट वेरी पॉपुलर, इट राइज एंड देन इट वेनिशिज विद टाइम, मतलब कभी ये वो इमर्ज होता है और कभी ये इंडिया में कम्युनलिज्म जो है, कम्युनल जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है, कभी फिर इमर्ज होता है कभी कम होती है, किसके बाद मतलब 20th सेंचुरी, लेट 20th सेंचुरी के, अर्ली 20th सेंचुरी के बाद, ठीक है। इससे पहले तो कम्युनलिज्म हमें इंडिया में उतना नहीं दिखता, ठीक है। अब आपने उसकी एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, ये मतलब रिलीजियस यूनिटी की, जैसे आप देखोगे कि जो हिंदुइज्म होता था जब आर्यन आर्यन के वक्त, ठीक है, तो उसको बोलते थे ब्राह्मणिज्म, उस टाइम ये ब्राह्मणिज्म या ब्राह्मणिक रिलीजन ही बोलते थे, इतना ज़्यादा हिंदुइज्म नहीं बोलते थे। इसके खिलाफ जो बुद्धा का था ना रिलीजन, बुद्धिज्म, बुद्धिज्म वो जैसे आज इस्लाम और हिंदुइज्म में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, वैसे बुद्धिज्म एक मूवमेंट चली थी, बुद्धा ने चलाई थी किसके खिलाफ, ब्राह्मण के रिलीजन के खिलाफ। बुद्धा कौन था, बुद्धा क्षत्रिय था, ठीक है, तो इसने ये मूवमेंट चलाई थी, ठीक है, ब्राह्मण के। इसी तरह जैन वाला महावीर जो है वो भी क्षत्रिय था, तो ये क्षत्रियाज की एक मूवमेंट थी, ये मूवमेंट मतलब बुद्धिज्म और जैनिज्म मूवमेंट्स थी ब्राह्मणिज्म के खिलाफ। ब्राह्मणिज्म हम पढ़ेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा उस टाइम ना वेल्थ क्या होती थी, काओ गाय जो होती थी, जैसे आज हमारे पास पैसा पैसा है, रुपया पैसा करेंसी, उस टाइम गाय एक किस्म की करेंसी की तरह होती थी, ये सबसे ज़्यादा लोग हर चीज़ को एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी तो उसमें यूज़ होती थी गाय, तो इसलिए क्योंकि ब्राह्मणिज्म में तो गाय की दे देते थे बलि, तो वो भी एक इशू था, और ब्राह्मणिज्म में कास्ट का इशू था, कास्टिज्म था, अनटचेबिलिटी थी, तो इस सब के खिलाफ जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है दो रिलीजन आए, ये इनके खिलाफ थे। लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम देख रहे हैं कि हिंदुइज्म, आज जब हिंदुइज्म की बात कॉन्स्टिट्यूशन करता है तो उसमें बुद्धिज़्म भी आता है, ब्राह्मणिज्म भी आता है और जैनिज्म भी आता है, और सिख भी उसी में ही आते हैं, तो ये सब जो है इनमें यूनिटी है, ठीक है। एंशियंट टाइम से ही लेकर अभी तक इतने ज़्यादा रिलीजन हैं लेकिन फिर भी उनमें यूनिटी है, मतलब जो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ जो आप कभी लिख सकते हो, जो हिंदू हैं वो बुद्धा को अपना एक, बुद्धा को कृष्णा का अवतार भी मानते हैं, एक गाड मानते हैं, ठीक है, इस तरीके जैना जैन को भी अपना गाड मानते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें जो हिंदू हैं वो गुरु नानक को भी रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है, जो मुस्लिम्स के बहुत सारे सूफीज हैं जैसे निज़ामुद्दीन ओलिया उसकी रिस्पेक्ट हिंदू भी करते हैं, सिख भी करते हैं, और अपने मुस्लिम तो करते ही हैं, तो ये चीज़ें कि मतलब देखो जो रिलीजियस प्लेसेस पे विजिट जब करते हैं तो ये सारे करते हैं, ठीक है, तो ये इंडिया में यूनिटी की बात है, ठीक है, इंडिया में रिलीजन बहुत सारे हैं लेकिन यूनिटी है। फिर हम बात करते हैं लैंग्वेजेस की, इसमें थोड़ी और हिस्ट्री आ जाएगी, ये वीडियो मेरी लंबी हो जाती है क्योंकि मैं डिटेल में समझाने लगता हूँ, तो आपको अगर टाइम आपका वेस्ट हो रहा होगा तो आप क्या करना है, इसको स्पीड 2x कर देना, 2x या 1.5 करके देखना, ठीक है। लैंग्वेजेस इंडिया में बात करें तो जैसे आप इस बुक में देखोगे कि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस थी, और एक लिंगवा फ्रेंका टर्म आप देखोगे लिखा हुआ है, लिंगवा फ्रेंका, लिंगवा फ्रेंका क्या होती है, जैसे देखो एक ऐसी लैंग्वेज, ठीक है, जैसे मैं आप जे एंड के की बात करूँ तो जे एंड के में आप देखोगे यहाँ पे पहाड़ी भी बोली जाती है, यहाँ पे गोजरी भी बोली जाती है, यहाँ पे कश्मीरी भी बोली जाती है, लेकिन ये लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, ये इन सारे लोगों के बीच एक कॉमन लैंग्वेज, जो पहाड़ी वाला बोले और गोजरी वाले को समझ आ जाए, गोजरी वाला बोले और कश्मीरी को भी समझ आ जाए, तो वो कॉमन लैंग्वेज जो जो सारे ही बोल रहे हैं उसको बोलते हैं लिंगवा फ्रेंका, जो सब में यूनिटी का काम करती है। जैसे जे एंड के में उर्दू है, पहाड़ी वाला बंदा भी उर्दू समझ आ जाएगी, बोल लेगा गोजरी कश्मीरी सब उर्दू बोल लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके पूरी दुनिया में अभी क्या है, इंग्लिश, तो ऐसे एंशियंट टाइम पे क्या थी, तो एंशियंट टाइम पे जैसे 3rd सेंचुरी BC की बात करें, इस बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 3rd सेंचुरी BC में लिंगवा फ्रेंका थी प्राकृत लैंग्वेज थी, ठीक है, ये ज़्यादातर लैंग्वेज जैन पीपल जो है ना वो ज़्यादातर बोलते थे प्राकृत लैंग्वेज, और उनका जो रिलीजियस टेक्स्ट है वो भी प्राकृत में है, ठीक है। जैन की जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं ये भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ये जो मैं ये पॉइंट बताता हूँ ना ऐसे वाले जैन की रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह, ये चीज़ ये आप नोट कर लेना, जैन की जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं वो प्राकृत लैंग्वेज में,
और जो बुद्धिस्ट की हैं, ये मतलब पॉइंट आप आगे जाके पढ़ोगे, अभी मैं ऐसे बता रहा हूँ, वो पाली लैंग्वेज में, ठीक है। अब जो 3rd सेंचुरी BC मतलब जो अशोका का और मौर्यन का जो पीरियड था, ठीक है, उस वक्त जो है प्राकृत लैंग्वेज जो है ये एक लिंगुआ फ्रैंका थी। लिंगुआ फ्रैंका मतलब इतनी ज़्यादा इंडिया में, देखो इंडिया में पहले तो मैंने बोल दिया, इंडिया में ये मतलब लिंगुआ फ्रैंका वो थी, उसको भी मैं बता देता हूँ वैसे बेसिकली, फिर मैं आगे बताता हूँ। प्राकृत लैंग्वेज थी मौर्यन टाइम पे, मतलब अशोका के वक्त, ठीक है। अशोका कौन था, एक मौर्या डायनेस्टी थी, और उस मौर्या डायनेस्टी का एक किंग जो था अशोका था। जैसे डायनेस्टी क्या होती है, जिसमें बहुत सारे रूलर्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि JNK में, NC में जो है बेसिकली ये एक डायनेस्टी चली आ रही है, अब्दुल्ला डायनेस्टी, मतलब एक बाप का बेटा, बाप है कुछ मिनिस्टर, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा वगैरह, ऐसे ही मौर्या में मौर्यन डायनेस्टी थी, उसका एक रूलर था अशोका। अशोका ने बहुत ज़्यादा प्राकृत को यूज़ किया था। अब हम आगे चलते हैं बेसिकली, अब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो लैंग्वेज के बेस पे इंडिया में हम देख रहे हैं कि इंडिया में हज़ारों में लैंग्वेजेज हैं, तो बहुत ज़्यादा इंडिया में डाइवर्सिटी है, ठीक है। मतलब जैसे इंडिया में उर्दू है, हिंदी है, ठीक है, इंडिया में संस्कृत है, इंडिया में डोगरी है, ये तो डोगरी तो JNK में ही है, इंडिया में तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, तो बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेज हैं इंडिया में, ठीक है। जैसे 22 लैंग्वेज तो इंडिया के वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आठवें शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेज हैं, 22, ठीक है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लेना, तो मतलब इतनी 22 तो उसी में दिए हैं मेजर लैंग्वेजेज। फिर उसके बाद क्लासिक लैंग्वेज है हमारे पास, 7 क्लासिक लैंग्वेजेज हैं, वो भी कौन कौन सी हैं वो आपको कभी फ्यूचर में बताएंगे, बट अभी आप याद रख लो क्लासिक लैंग्वेज हैं। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्री के लिए, ठीक है, ये हम आर्ट एंड कल्चर जब पढ़ेंगे तो तब पढ़ेंगे। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी इंडिया में यूनिटी है, इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेज अलग अलग हैं, तो लैंग्वेज के बेस पे भी जो कन्फ्लिक्ट हुए हैं वो आज़ादी के बाद हुए, पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम। आप ऐसे पेपर में क्वेश्चन में लिख सकते हो, यस देर वर कन्फ्लिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा, ठीक है, मतलब 1960s और 70s में, ठीक है। बट ओवरऑल इफ वी लुक इनटू द हिस्ट्री, एंशियंट मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वी फाइंड लिंग्विस्टिक यूनिटी, यूनिटी बेस्ड ऑन लैंग्वेजेस, ठीक है, बिकॉज देयर वाज प्राकृत लैंग्वेज फॉर एग्जाम्पल विच वॉज ए लिंगुआ फ्रैंका। तो मतलब जैसे मैंने बात की, वो लिंगुआ फ्रैंका थी, इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस थी, लेकिन एक लैंग्वेज हमारे पास निकल के आ जाती है जो लिंगुआ फ्रैंका है, जो लोगों में यूनिटी का काम करती है, ठीक है। जब प्राकृत खत्म होगी उसके बाद, क्योंकि मौर्या थे, मौर्या तो बुद्धिस्ट थे, बुद्धिस्ट होने, अच्छा ये बात याद रखना, अशोका या मौर्या जो थे वो बुद्धिस्ट थे, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ की है वो पाली नहीं यूज़ की, उन्होंने प्राकृत यूज़ की। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है, अशोका ने अपने जो एडिक्ट्स, अपने जो इंस्क्रिप्शन थे, ठीक है, ये बाद में हम पढ़ेंगे एडिक्ट्स वगैरह, ठीक है, जो अपने फरमान थे रॉयल, वो किस में इशू किए, वो प्राकृत लैंग्वेज में इशू किए, नॉट इन पाली। हालांकि अशोका क्या था, अशोका बुद्धिस्ट रूलर था, फिर भी उसने पाली का यूज़ नहीं किया, उसने प्राकृत का यूज़ किया, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे पॉइंट पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो प्राकृत लिंगुआ फ्रैंका थी। जब मौर्य डायनेस्टी खत्म होगी तो उसके बाद कुछ और रूलर आए, सातवाहन वगैरह, मतलब ब्राह्मण रूलर आने लगे, गुप्ता आए उसके बाद, ठीक है। तो ये मतलब जो थे बहुत सारे ये ब्राह्मणिक, ये ब्राह्मण से रूलर, ठीक है, मौर्या वोरिया कौन थे, क्षत्रिय वगैरह थे, और वो बुद्धिस्ट थे, तो ये ब्राह्मण से ब्राह्मणिक रिलीजन फॉलो करते थे, तो इन्होंने तो प्राकृत नहीं यूज़ की, इन्होंने फिर संस्कृत यूज़ करना शुरू की, तो उस वक्त संस्कृत जो है वो एक फिर लिंगुआ फ्रैंका बन गई, स्टेट की लैंग्वेज बन गई, हालांकि गरीब लोग इसको उतना नहीं बोलते थे। तो संस्कृत ने भी तो मतलब 2 लैंग्वेज याद रखी, प्राकृत और संस्कृति, ये लिंगुआ फ्रैंका थी उस वक्त की, और इन्होंने यूनिटी क्रिएट की हुई थी। और आज के ज़माने में कौन सी हैं, इंग्लिश, ठीक है, और कुछ हद तक हिंदी जो है, मतलब कुछ हद तक हिंदी उतनी नहीं है जितनी इंग्लिश है, ये लिंगुआ फ्रैंका है इंडिया में, ठीक है, और इनके बेसिस पे इंडिया में, देखो ना, साउथ इंडिया के लोग जो हैं और नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं, इनको जोड़ता है इंग्लिश। तो इंडिया में डाइवर्सिटी तो है, लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में यूनिटी भी है। देखो कितनी, अभी हमारा वही टॉपिक चल रहा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसमें लैंग्वेज, रेसिस, रिलीजन, ऐसे करके आप जब लिखोगे तो पूरा ऐसे बन जाता है, और एक मेंस का क्वेश्चन, मैंने कहा लिखने के लिए आपके लिए हमेशा आपके पास ज़्यादा होगा, ठीक है।
ये आगे लिंग्विस्टिक हमारी हो गई। अब उसके बाद ही हम बात करते हैं किसकी, कल्चरल की बात कर लेते हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी है इंडिया में, बट फिर भी यूनिटी है। अच्छा, ये लैंग्वेज जो है ना, ये पार्ट ऑफ कल्चर ही है। लैंग्वेज जो है वो भी एक पार्ट ऑफ, लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ कल्चर, लेकिन उसको हम अलग से लिखते हैं ताकि पॉइंट एक्स्ट्रा भी हो जाए हमारे पास। ठीक है, मेंस में थोड़ा लंबा लगेगा हमारा आंसर भी, और थोड़ा पॉइंट्स भी वो थोड़ा हमने अलग से डिटेल में कर लिया। अब कल्चर में अगर बात करें तो कल्चर में आता है वैल्यूज़। ये हम एथिक्स में भी पढ़ोगे वैल्यूज़ क्या होता है, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, आपको बताते हैं। वैल्यूज़ ऐसे होता है जो मतलब हम किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिस्पेक्ट फॉर वीमेन होगी। ठीक है, कुछ कल्चर में औरतों को हत्या कर देते हैं, कुछ में औरतों की रिस्पेक्ट होती है। रिस्पेक्ट फॉर एनिमल्स होगी। ठीक है, जैसे कुछ ट्राइबल्स हैं वो एनिमल्स को वर्शिप करते हैं, उनको मारने नहीं देते एनिमल्स, ट्रीज वगैरह को। ट्रीज हो गया मतलब नेचर, मतलब इन्वायरमेंट को कितना रिस्पेक्ट देते हो, औरतों को कितना रिस्पेक्ट देते हो। ठीक है, कुछ कल्चर में वो जैसे हिंदुइज्म में सती था, डोरी वगैरह बहुत प्रैक्टिस चलती है। ठीक है, तो कुछ इसमें है ये होता है, और बहुत ज़्यादा, और कुछ जो ट्राइब्स हैं उनमें आप देखोगे कि डोरी वगैरह है ही नहीं, उनमें तो ब्राइड प्राइस होता है, मतलब उनमें दहेज नहीं देना पड़ता, बल्कि बीवी के घर वालों को पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग कल्चर की अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो कल्चर इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। क्यों है? क्योंकि इंडिया में बहुत सारा ट्राइब्स हैं, तो ट्राइब्स कल्चर है। इंडिया में हिंदुइज्म है तो कास्ट कल्चर है, उसका कल्चर अलग है। मुस्लिम का इस्लामिक कल्चर अलग है। ठीक है, सिखों का कल्चर अलग है, वो जैसी रिलीजन है वैसे। फिर आप बोल सकते हो नॉर्थ इंडिया का कल्चर अलग है, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर अलग है, साउथ इंडिया का कल्चर अलग है। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा कल्चरल डिवीज़न है, बहुत ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी इंडिया में है, लेकिन इसके बावजूद इंडिया में यूनिटी भी रही है, और एंशियंट टाइम से ही कल्चरल में यूनिटी रही है। और उसका एक पार्ट तो हमने पढ़ लिया, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज जो है वो फिर भी यूनिटी क्रिएट करती है। ठीक है, उसी का एक इन्होंने पॉइंट एग्जाम्पल दिया इन्होंने, बेसिकली एंशियंट टाइम पे, जो अब अगर आपको एंशियंट हिस्ट्री में आ जाए आप वो एग्जाम्पल लिख भी सकते हो। जैसे इन्होंने बोला है कि इंडिया में क्या था, जैसे दो इंडिया की मिथ हैं, रामायण और महाभारत। आपको पता होगा ये दोनों मिथ्स जो हैं ये सेक्रेट बुक्स भी हैं हिंदुइज्म की, और ये दोनों कुछ वैल्यूज़ को प्रमोट करती हैं। जैसे रामायण ये फैमिलियल वैल्यूज़ प्रमोट करती हैं, मतलब जैसे माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए माँ बाप की, क्योंकि राम जो थे वो माँ बाप के कहने पे वनवास ले लिया था उन्होंने, वो 14 साल के लिए छोड़ के चले गए थे। महाभारत में भी आप ऐसी ही कुछ थीम फॉलो करोगे, फैमिलियल वैल्यूज़ को ये ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये वैल्यूज़ जो थी, अब रामायण और महाभारत कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, संस्कृत में, और साउथ इंडिया में तो संस्कृत, हमने बोला कि गुप्ता के टाइम पे संस्कृत जो है फैली है बहुत ज़्यादा, फिर भी वो उतनी ज़्यादा नहीं फैली। तो साउथ इंडिया में लोगों ने मतलब रामायण और महाभारत को क्या कैसे पढ़ा, तो बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन हुई। ठीक है, मतलब तमिल में ट्रांसलेशन हुई, तो जब ट्रांसलेशन भी हुई है तमिल में, तो हम देखेंगे तमिल में या तेलुगु में, तो ट्रांसलेशन में भी ये जो वैल्यूज़ थी ये वैसी की वैसी बरकरार रखी गई। ठीक है, तो इनमें कुछ चेंज नहीं आई और लोगों ने वो वैल्यूज़ फॉलो की। तो कल्चरल डाइवर्सिटी में रामायण और महाभारत ने मतलब कल्चरल यूनिटी पैदा करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया। अब आपके लिए एक यहाँ पे प्री के लिए क्वेश्चन बन सकता है, रामायण को या तमिल रामायण, ठीक है, तमिल रामायण किसने लिखी है, तमिल रामायण किसने लिखी है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। उसको बोलते हैं कंबन। कंबन एक राइटर था, KAMBN, तो उसने तमिल रामायण लिखी थी। ये आपने, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, बट आप अभी नोट बना लो। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इसके बेस पे। फिर आ गया एक हमारा ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इंडिया पे, ये आखिरी है, इसके बाद हम बंद करेंगे। ठीक है, अच्छा कल्चर का एक पॉइंट और बताता हूँ। कल्चर में एक और पॉइंट है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा, कास्ट। कास्ट कास्ट बेसिस इंडिया में बहुत ज़्यादा, आपने पढ़ा होगा कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया में। 4 टाइप की कास्ट हैं, 4 वर्णाज हैं, और कास्ट तो ढेरों हैं, हज़ारों में कास्ट हैं। ठीक है, ऑक्यूपेशन के बेस पे कास्ट होती है, मतलब जैसे तेल बेचने वाले को तेली कहा जाता है, लकड़ी का काम करने वालों को तरखान हो गया उसकी कास्ट। इसी तरीके से लोअर कास्ट हैं, शेड्यूल का जो शेड्यूल कास्ट आते हैं जिसमें मतलब चमार्स आगे, ठीक है वो वगैरह आगे। इसी तरह कुमार होते हैं जो मतलब हमारे यहाँ जो पॉटर्स होते हैं, जो जो
मिट्टी का कम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो कुम्हार हो गए। तो ये मतलब ऑक्यूपेशन के बेस पे इंडिया में कास्ट तो हैं, बहुत सारी कास्ट हैं, और उनमें बहुत ज़्यादा किस कोई लोअर कास्ट है, कोई अपर कास्ट बोली जाती है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट भी, कास्ट बेस्ड कन्फ्लिक्ट इंडिया में है। तो यहाँ पे फिर भी इंडिया में कास्ट बेस्ड कन्फ्लिक्ट भी है, लेकिन इंडिया में फिर भी कहीं ना कहीं कास्ट बेस्ड यूनिटी भी आप देखोगे। ठीक है, तो कास्ट के कुछ फंक्शंस भी इंडिया में होते हैं। तो जैसे जजमानी सिस्टम एक एग्जांपल है, जो एंशियंट टाइम पे बहुत होता था, जजमानी सिस्टम। ये आप अभी नाम रख लो क्या होता है, ये आपने उतना डिटेल में नहीं पढ़ना। जजमानी सिस्टम बेसिकली होता है, देखो एक ब्राह्मण होता है, उसकी ब्राह्मण की एक फैमिली है, तो वो अपने साथ क्या करेंगे, एक लोअर कास्ट वाला बंदा जो है अटैच कर लेंगे, लोअर कास्ट वाले बहुत सारे बंदे अटैच कर लेंगे। जैसे लोअर कास्ट का एक बार्बर होगा, और वो बार्बर सिर्फ और सिर्फ इस एक पार्टिकुलर ब्राह्मण की फैमिली को ही सर्व करेगा। ठीक है, और ये ब्राह्मण जो है सिर्फ और सिर्फ इसी बार्बर को ही यूज़ करेंगे, किसी और बार्बर को से सर्विसेज नहीं लेंगे। ठीक है, और ये ब्राह्मण उनको मतलब बाल बाल काटेगा, बार्बर जो है, ये बार्बर जो है, और ये ब्राह्मण जो है ये उनको उसके बदले में या तो पैसे वैसे दे सकेंगे, या क्या करेंगे, जो पास्ट टाइम पे होता था इसकी, जब कोई शादी वादी होगी कुछ होगा, तो उसमें ये रिचुअल्स जो है, मतलब जो याग्नाज वगैरह हैं वो परफॉर्म कौन करेंगे, ब्राह्मण्स परफॉर्म करेंगे। तो ये जजमानी सिस्टम होता था, इसकी वजह से विलेज में सेल्फ सुफिशियंट विलेज होते थे इंडिया के। ठीक है, तो ये एक किस्म की यूनिटी थी। तो ये मैं जस्ट एक बता रहा हूँ। फिर आगे हमारे पास ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। तो इंडिया में आपको पता है कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत है इंडिया में। ठीक है, जैसे आप वो देखोगे कि इंडिया में हिमालयाज हैं, माउंटेन हैं बहुत सारे, तो हिमालयाज हैं। ठीक है, इंडिया में इसी तरीके से वेस्टर्न घाट्स हैं, या आप पढ़ोगे ज्योग्राफी में ईस्टर्न घाट्स हैं, इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब इंडिया ज्योग्राफिकली बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं इंडिया में, माउंटेन्स भी, मतलब हिमालय से आगे माउंटेन्स भी हैं, प्लेन एरिया भी हैं, इंडिया में डेजर्ट भी हैं, इंडिया में हॉट डेजर्ट भी हैं। डेजर्ट कौन से, हॉट जैसे राजस्थान वाला, वो गर्म डेजर्ट है, और कोल्ड डेजर्ट भी हैं जैसे कि लद्दाख, सबसे बड़ा इंडिया का कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, तो इंडिया में डेजर्ट्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, इंडिया में फॉरेस्ट भी हैं, फॉरेस्ट एरिया भी हैं बहुत ज़्यादा। जैसे फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे है इंडिया में, फॉरेस्ट एरिया एब्सोल्यूट टर्म में बोल रहा हूँ मैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एब्सोल्यूट टर्म मतलब परसेंटेज में नहीं, एब्सोल्यूट टर्म में बोल रहा हूँ कि एरिया वाइज कितने किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से देखो, तो वो मध्य प्रदेश में। तो इसी तरीके से इस पे भी मैं, तो क्वेश्चन प्री में एक बार आया था इस पे, सिर्फ एक इतना नहीं पूछा था उनको, मतलब अरेंज करना था सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, ऐसी कुछ स्टेट दी थी, अरेंज करना था। तो कभी कभी तो इतना भी पता हो तो एलिमिनेट होके आंसर निकल आता है। तो ये इंडिया में ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी तो है। ठीक है, जैसे विंध्याज हैं, जैसे मैं आपको बता दूँ कि विंध्याज माउंटेन्स हैं, विंध्याज ये नॉर्थ इंडिया को, ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया को, ठीक है, और जो अपना साउथ इंडिया है, ठीक है, इसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं विंध्याज माउंटेन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है कि इंडिया का जो साउथ इंडिया का कल्चर है वो नॉर्थ इंडिया से डिफरेंट है, क्योंकि ये माउंटेन्स जो है इन्होंने हिस्टोरिकली जो माइग्रेशन होती है उसको बहुत हद तक कंट्रोल किया, मतलब माइग्रेशन तक के उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई। तो विंध्याज जो है ये माउंटेन्स भी, ये भी एक किस्म की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फिर भी ज्योग्राफिकल यूनिटी भी है इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पे बुक में आप क्या देखोगे, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, तो उन्होंने क्या लिखा है कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी तो थी, लेकिन फिर इंडिया में ज्योग्राफिकल एक यूनिटी का कंसेप्ट भी था। ठीक है, एक तो आप ज्योग्राफिकल यूनिटी अब बाद में आगे डिटेल में पढ़ोगे, जैसे पूरा इंडिया को ना, मतलब जो हिमालयाज हैं, यहाँ पे हिमालयाज जो हैं, ये पूरे जब इंडिया को, मतलब इंडिया को सेंट्रल एशिया से सेपरेट करते हैं, तो ये इंडिया का पूरा जगराफ, मतलब यहाँ पे तो इंडिया में ओशन है, यहाँ पे भी ओशन है, तो इंडिया को एक नया अपना ही कल्चर देते हैं, अपना ही एक पूरा क्लाइमेट देते हैं। ठीक है, जब ये जो हिमालयाज हैं ये सेपरेट करते हैं सेंट्रल एशिया से, तो इंडिया में तो ज्योग्राफिकली डाइवर्सिटी तो है, लेकिन फिर भी यूनिटी है, क्योंकि इंडिया जो है हिमालय के साउथ में, और हिमालय के साउथ में होने की वजह से इंडिया का जो क्लाइमेट है वो, हालांकि इंडिया जो है वो आधा, तो अगर बेसिकली जो है, जैसे आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो इंडिया तो
कुछ इंडिया का सब ट्रॉपिक में आता है इंडिया, और कुछ टेम्परेट में आता है। लेकिन इसके होने के बावजूद, क्योंकि इंडिया हिमालय से मतलब घिरा हुआ है नॉर्थ से, और जो ठंडी हवाएं हैं वो वहाँ से नहीं आ सकती सेंट्रल एशिया से, तो इंडिया का एक यूनिक ही क्लाइमेट है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल। हम ट्रॉपिकल बोलते हैं टेम्परेट नहीं, ओवरऑल इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मानसून मानसून क्लाइमेट है, ठीक है। तो जैसे ये मतलब एक यूनिटी, ये इस बुक में आपको नहीं दिखेगा, ये मैंने ऐसे ही एक पॉइंट आपको बताया। इस बुक में क्या लिखा है, जो मतलब आर एस शर्मा का जो मैं चैप्टर डिस्कस कर रहा था फर्स्ट चैप्टर, उसमें बेसिकली लिखा होगा कि लोगों में मतलब उसमें ये बताया कि लोगों के माइंड में जो हिस्टोरिकली लोग रहते थे, जो फॉरनर्स थे, वो उनके माइंड में ये रहता था कि ये पूरा एक ही है। उनके माइंड में ऐसा था कि जियोग्राफिकली पूरा इंडिया जो है एक ही है। हालांकि अलग अलग यहाँ पे स्टेट्स रूल कर रही थी, साउथ में अलग लोग रूल कर रहे थे, यहाँ पे अलग किंगडम थी। जैसे आप देखोगे कि इंडिया जब आज़ाद हुआ तो इंडिया में 562 स्टेट्स थे, लेकिन वो इंडिया का कंसेप्ट लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हो कि वेन इंडिया, ये वाला पॉइंट कि जब वेन इंडिया बिकेम फ्री, ठीक है, या वेन इंडिया गॉट फ्रीडम, इट हैड 562 स्टेट्स, बट स्टिल द कंसेप्ट ऑफ इंडिया वॉज देयर इन पीपल्स माइंड। ये मतलब ऐसे करके आप लिख सकते हो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि दिस कंसेप्ट वॉज ऑलरेडी देयर सिंस टाइम इमेमोरियल इन द माइंड ऑफ इंडियन पीपल, ठीक है, या द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, क्योंकि आप तो पहले पाकिस्तान नहीं था, बट पाकिस्तान भी तो पहले इधर ही था, तो सब कॉन्टिनेंट बोल सकते हो। उनके माइंड में कैसे होता था, जैसे पहले फॉरनर्स के माइंड की बात करें, जो फॉरनर जो बाहर से लोग आते थे, तो वो इस पूरे जो हिमालय के सोथ में लेकर, मतलब जो यहाँ पे इंदस है, इंदस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक जो एरिया है, और नॉर्थ में हिमालय से लेकर केप कैमोरिन तक, ठीक है। ये केप क्या होता है, ये आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, आगे हम पढ़ेंगे केप कैमोरिन, ये सोथ में पॉइंट आ गया यहाँ पे मेनलैंड का। तो ये जो है इंदस से लेकर ब्रह्मपुत्र तक, और ये वाला जो एरिया पूरा मतलब इंडिया, इसको फॉरनर्स क्या बोलते थे, वो इसको एक ही मानते थे। तो मतलब फॉरनर्स के माइंड में भी एक ही था, वो इस पूरे एरिया को क्या बोलते थे, वो इस पूरे इंडिया को एरिया को बोलते थे इंडिया। फॉर एग्जांपल जो ग्रीक थे वो इसको इंडिया बोलते थे, इस पूरे एरिया को, इसका मतलब वो इस पूरे को एक ही मानते थे। तो मतलब जियोग्राफिकली डाइवर्स था, लेकिन माइंड में कंसेप्ट था कि यूनिटी है इधर, तो वो इंडिया, ठीक है। अब ये एक नाम भी इंडिया कैसे है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, बुक में भी लिखा है, जब इंडिया में आर्यंस आए, तो आर्यंस ने वेदास बुक आई, तो वेदास बुक से हमें पता चलता है वो इसको बोलते थे इस एरिया को सप्त सिंधु या हली सिंधु, ठीक है। मतलब जो इंदस रिवर था, रिवर की बात करें तो इसकी सप्त हो गए, मतलब सेवन, तो मतलब सात इसकी ओवरऑल इंडस को मिला के, उसकी ट्राइब्यूटरीज मिला के, जो पांच आज तो छह बनती हैं, ठीक है, पंजाब प्लस इंडस, पंजाब मतलब पंजाब और पांच वो उसकी ट्राइब्यूटरी प्लस इंडस छह, ठीक है। और एक जो उस वक्त वो मानते थे वो रिवर आज मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, जिसको वो गागरा बोलते थे, ठीक है, तो वो नहीं, जो सरस्वती वो बोलते थे सरस्वती, ठीक है, तो वो वाला रिवर तो मतलब आज नहीं है, वो सूख गया हुआ, तो ओवरऑल वो सब सिंधु बोलते थे, फिर वहाँ से सिंधु बना। तो सिंधु से आगे फिर जब ये ग्रीक आए, तो ग्रीक ने इनको सिंधु से आस्ता आस्ता वो इसको जब प्रोनाउंस करने लगे तो वो इंदू बना, और इंदू से इंडिया बन गया, ठीक है। इसी तरीके से जो सिंधु से सिंध आया, और सिंध से फिर हिंद आया, हिंद लफ्ज़ जो है अरेबिक और पर्शियन में यूज़ होता है, मुस्लिम जो लोग थे वो जब आए मेडिवल टाइम में, तो वो इसको हिंद बोलते थे इंडिया को, ठीक है। और हिंद से ही मतलब जो हिंद में लोग रहते हैं उन सबको हिंदू कहा जाता था, तो ऐसा हिंदू जो है ये हम मतलब बेसिकली कोई मुस्लिम हो, कोई सिख हो, कोई कुछ भी हो, कोई हिंदू भी हो, वो जब इस एरिया में रह रहा है तो चाहे मुस्लिम हो चाहे कुछ भी हो, फॉरनर्स उसको हिंदू ही बोलते थे, ठीक है। मतलब इंडिया का जो मुस्लिम हो उसको फॉरनर हिंदू बोलते थे। हिंदू बेसिकली एक रिलीजन नहीं होता था उनके लिए, हिंदू एक ज्योग्राफिकल मतलब जो ज्योग्राफिकल एरिया था उसमें रहने वाले जो लोग थे उनको हिंदू बोलते थे, हिंद में जो रहते थे उनको हिंदू बोलते थे, फिर वो चाहे किसी भी मजहब का हो। तो ये जो हमारे माइंड में मतलब एक यूनिटी का कंसेप्ट जो है उस वक्त भी था, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी थी फिर भी एक यूनिटी थी। और आज भी आप देखोगे, जैसे हमने बात की, आज भी मतलब जो यहाँ पे इसको हिंदुस्तान जो बोला जाता है, ठीक है,
हिंदू जो मतलब मेडिवल टाइम में और आज भी बोला जाता है उर्दू में, तो हिंदुस्तान भी क्या है ये वाला एरिया जो मतलब हिंदू, हिंदुस्तान का से लिटरल मीनिंग निकालो तो हिंदू के रहने की जगह। लेकिन जब मुस्लिम भी यहाँ पे रहते थे तब भी मुस्लिम भी इसको हिंदुस्तान बोलते थे, रहते तो यही थे कि मुस्लिम से पूछे आप कहाँ रहते हो, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। तो मतलब ये एक यूनिटी का कंसेप्ट जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी इंडिया में, इंडिया के लोगों के माइंड में था एंशियंट टाइम पे इसको। ये एक और आप देखोगे यहाँ पे लिखा होगा भारतवर्ष, भारत एक राजा होता था भारता क्लेन का, ठीक है, ये किंग होता था भारता क्लेन का। ये अब हम पढ़ेंगे जब बुद्धा का टाइम पढ़ेंगे, जब हम आगे एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके नाम पे इंडिया को भारत बोला जाता है, ठीक है, भारत या फिर भारत वर्ष मतलब भारत की जगह, वर्ष मतलब जगह, तो भारत के रहने की जगह लैंड ऑफ भारत जहाँ पे भारत रहता था, तो इस पूरे को भारत वर्ष कहा जाता था। और इस पूरे एरिया में जो किंग रूल करते थे या जो भी किंग ट्राई करता था कि अक्सर जो किंग मतलब यहाँ पे रूल करा वो चाहता था कि पूरे इस इंडिया वाले एरिया पे कब्जा किया जाए। तो वो जो है उस किंग को, ऐसे किंग जो ट्राई करते थे कि पूरे एरिया पे कब्जा कर किया जाए या जिन्होंने किया भी, उनको चक्रवर्तींस फॉरनर जो है चक्रवर्तींस बोलते थे। तो आपको पता है कि इस साल का भी पेपर उठा के देखो, ऐसी हिस्टोरिकल जो टर्म्स हैं एंशियंट हिस्ट्री में, जो टर्म्स हैं चक्रवर्तीन वगैरह भारता वर्षा वगैरह, ऐसी पेपर में पूछी जाती हैं, तो ये आपके प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। तो आज की जो वीडियो है इसमें हमने बेसिकली हम आप थोड़ा कंक्लूड कर लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा आज की वीडियो में, हमने मेंस का एक टॉपिक पढ़ा थोड़ा सा आधा, मतलब जो सिर्फ हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से उतना पढ़ा है। बेसिकली आप इतना भी लिखोगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, या फिर इसी को बोले वाई एंशियंट हिस्ट्री या वाई हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वो भी हमने इसे उसका भी जब पूछेंगे तो आपने आंसर यही देना है। तो ये एक हो गया, और दूसरा हमने प्रीलिम्स के लिए कुछ पॉइंट पढ़े, ठीक है, जिसमें हमने राइटिंग के बारे में पढ़ा, हमने बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में मैंने थोड़ा आपको ऐसे बताया, ये टर्म्स बताई मैंने आपको, भारतवर्षा चक्रवर्तीन वगैरह, तो ऐसे करके मैंने और थोड़े पॉइंट बताए, फॉरेस्ट एरिया वगैरह बताया, ठीक है। तो वो मैंने मतलब ये एनालाइज किया। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आप क्या करना ना, अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो इसको आप स्पीड ज़्यादा कर देना, ठीक है, स्पीड ज़्यादा कर देना फिर देखना। ओके, इतना ही काफ़ी है, शुक्रिया। एग्जिट होने में टाइम ले रहा है, इधर गया, हाँ तो ठीक है।